Hello, Dhwani. Today's episode was awesome. Full of emotions. बहुत बड़ा धमाका था वो. तो तुम लोगों को मजे ही आएंगे. Love for you, Divyansh and you. Okay. तो बेसिकली ये लाइव मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, और वो ये है कि मैंने अभी रिसेंट एक रील पे देखा, आकृति को बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है, और उसका रीज़न कहीं ना कहीं मैं हूँ, क्योंकि मेरी वजह से उसने बोला दिव्यांश को, जो भी उन लोगों के बीच में बहस हुई, और इसलिए आप सब लोग आकृति को जो भी बोल रहे हो भला बुरा. तो मुझे सिर्फ ये बोलना है कि जितने प्यार और इमोशन के साथ दिव्यांश शो में आए थे, उतने ही इमोशंस और प्यार आकृति को भी मेरे लिए था. शायद इसलिए जब मैं निकलने की बात हुई थी मेरी, तो वो रोने लग गई थी आउट ऑफ कंसर्न, और जो भी अटैचमेंट उसको मुझसे था इसलिए वो लड़ी. खनक भी इसलिए लड़ी, अनिका भी इसलिए लड़ी. तो प्लीज़ इस रीज़न की वजह से इतना सब मत बोलो. आप सब लोग जो भी कमेंट करते हो हम पढ़ते हैं, हमें बुरा लगता है अगर कुछ अजीब होता है तो, और मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है आकृति के लिए सब पढ़ के. मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि ये सब हो. प्लीज़ 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 ऐसे कॉमेंट्स मत करो, बहुत इम्पैक्ट डालती है ये सब हमारे लिए. It was just out of concern and love, और कुछ भी नहीं. Hi, Shivi. Cutie pie. तो please जो फालतू की चीजें बोल रहे हो मत बोलो. अभी आगे episodes बाकी है बहुत सारे, सब कुछ पता चलेगा तुम्हें कि दोस्त क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों झगड़े हो रहे हैं. इतना जल्दी जज करके इतनी फालतू की बातें मत करो please. बस यही बोलना था मुझे. आज बहुत ड्रामा हुआ स्पेशल. अभी तो तुम देखो ड्रामे बहुत है. तेरा पति कुत्ते. हाय तनीषा, अभी भी लिख रहे हो? प्लीज मत लिखो यार ऐसा, किसी भी लड़की के लिए मत लिखो. एवरीवन इज माय फ्रेंड, एवरीवन इज माय फ्रेंड, इट्स जस्ट अ गेम. शो के लिए था जो, मतलब अगर कोई इंसान कोई स्टेप भी ले रहा है तो वो एक गेम है, उसको इतना सीरियसली लेके इतनी हेट मत फैलाओ प्लीज. आई लव यू टू शिवी. बैक विद दिव्यांश, पता चल जाएगा अभी तुमको. यू आर द रीजन आई एम वॉचिंग. मैं रो दूंगी. हाय चिंपू दीदी, हाय आयुष, आप प्लीज साथ आ जाओ. हे भगवान, ये तो मेरी पूरी लाइफ में दिव्यांश दिव्यांश चलता रहता है. हाँ ये ऐसे लिखो ना, यू आर सो ब्यूटीफुल. थैंक यू. चुलबुल पांडे एंड शेवी, आई डोंट नो वो ज्वाइन होगा अभी या नहीं. प्लीज आई एम जस्ट वॉचिंग दिस शो फॉर यू टू, सो स्वीट ऑफ यू. पसंद ज्यादा पास देख के.
Nice choice, nice choice. I like your choice. What can I do, yaar? What can I do? अरे कितना लंबा एपिसोड था यार. बहुत ज़्यादा लंबा. ब्रो एक टाइम पे 40-40 मिनट के एपिसोड आते थे. आजकल 1 घंटा 10 मिनट के एपिसोड है. मेरे हिसाब से ना लास्ट वाला इन्होंने थोड़ा कट किया था ना, कम दिखाया था, इसलिए 10-15 मिनट कम दिखाया था. पता नहीं, मैं तो नहीं देखा आज का, देखा मैंने क्योंकि आज बड़ा. आप तो बड़े आदमी हो, कैसे देखोगे? इतना टॉक्सिक हो रहा शो में, कैसे तू बता, तू कैसे देख, कैसे लेते तुम लोग, फिर रिकॉल होता है सब कुछ. हाँ ये बात तो है. मैं बोल रही कि मुझे देख देख के ना उन लोगों ने इसकी स्टोरी सुनी थी, हमने इसकी हालत देखी थी. मैं इसलिए रिएक्ट नहीं किया क्योंकि इन दोनों का मैटर था, मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा. और मैं इसलिए भी कुछ नहीं बोला, जस्ट 5 मिनट पहले सबको पता है मैं वर्ड्स देके आया था कि मैं किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा. मेरे से शो के प्रोड्यूसर ने बात करी थी कि हाथ नहीं उठाना, हर किसी ने, और मेरे से प्रॉमिस लिया गया था, जबान ले ली थी मेरी. तो इसके बाद मैंने कहीं भी किसी पे हाथ नहीं उठाया. मैं चाहता भी था बोलना क्योंकि मैं इतने गुस्से में था उस समय कि मैं किसी पे भी हाथ उठा सकता था. वो वैसा ही उठ जाता है मेरा हाथ. तो मैंने कुछ नहीं बोला इस मैटर में. दूसरा, हम लोग को इसकी स्टोरी पता है, अगर मैं बता सकता हूँ तेरा वो ठीक है छोड़. सो वी हैव सीन हर इन फेजेस. तो हम लोगों को लगा था कि वो बहुत बुरा बंदा है. उसने अपने एफर्ट्स लगाए हैं बंदे ने, जो भी हुआ दैट इज पास्ट, ठीक है, बच्चा होगा, उसकी गलती होगी. बट हाँ, हर लड़की के लिए उसके माँ बाप इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर उसने इसके लड़की डिसरिस्पेक्ट की थी तो वो लड़कियाँ वैसे रिएक्ट कर रही थी. मैं इसलिए चुपता क्योंकि इनका मैटर है, मेरा बोलने का बनता ही नहीं है. पर लड़कियाँ इसकी दोस्त हैं, वो बोल रही है, उनका बनता है, उन्होंने देखा ऐसे संभाला, उन्होंने ऐसी ऐसी हालत में कि छोड़ो, हम बोलना भी नहीं चाहते. मैं भी लाइव से इसलिए आई थी क्योंकि मुझे, मैंने कॉमेंट्स पढ़े और मेरा दिमाग खराब हो गया था वो पढ़ के, क्योंकि ये लोग सिर्फ उस बेसिस पे जज कर रहे थे दिव्यांश के पर्सपेक्टिव से. ये लोग नहीं समझ रहे थे कि मैंने जो फेस किया उसकी वजह से ये रिएक्शन निकल के आया था मेरे दोस्तों का. और मैं एक और चीज बताता हूँ, जब ये भागती भी आई ना वापस, जब ये बाहर कुछ बात कर रहा था, तो हमें पता क्या लगा उसने, हमें लगा पता नहीं उसने क्या ही बोल दिया होगा. ये खुश होके आ रही थी, हमें लगा कि ये ऐसे आ रही परेशान होके, और ये ऐसे खुलती जा रही थी यार क्या हो गया. तो दैट इज डिफरेंट. एंड बाकी गाइस प्लीज, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है. मैं सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स के लिए नहीं लड़ सकता, मेरे बस का नहीं है. तो जो कमेंट कर रहे हो कि दिग्विजय को कुछ बोलो, लक्ष्य को कुछ बोलो, नहीं कर रहा, सो सॉरी. बट हाँ, मैं फिर से नहीं आऊंगा, मैं सो, मेरे को सोना है सुबह, मेरा कल तो संडे है. अंडरस्टैंड वन थिंग, अनटिल एंड अनलेस कोई मेरे ऊपर कुछ बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. बट अगर तुमने एक लिमिट क्रॉस करी और अनेका के ऊपर कुछ भी बोला, उन दोनों के लिए, पांचों के लिए जो भी लाइव जाने वाले, याद रखना तुम्हारी कितनी पोले मेरे पास है. आई डोंट गिव अ फक अबाउट द एमटीवी स्पीच वाला शो. एमटीवी से कोई भी देख रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलूंगा, पर ऐसी सी पोले बोलूंगा कि लोग फिर याद रखेंगे. कितने फर्जी बन के आ रहे हो शो में, मत लाना. उसने तुम्हारी इज्जत शो में रखी है, मैं बाहर रख रहा हूँ, पर मैं उसके लिए सुनूंगा नहीं, अपने लिए सुन सकता हूँ. जो मर्जी करो यार, जो मर्जी बोलो, 10 रीले डालो, मैं तो कहता हूँ ले लो फुटेज, सब ले लो, कुछ नहीं हो रहा, सब देखते हैं, सब शो देखते हैं, शो का रिस्पेक्ट है, सब अपने हिसाब से देखते हैं. मैं गलत हूँ, मुझे गालियां देना आके. मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि मेरे को पता है ना कि वो लोग किस पर्सपेक्टिव से मेरे लिए बोल रहे थे. मुझे अजीब लग रहा है, पढ़ पढ़ क्या बोल रहे हो यार. हमने तेरा देखा है और तुम एक स्टेटमेंट बस, तेरा उतना बहुत था हम लोगों के लिए उसे हेट करने के लिए, कि तेरे डैड की डिसरिस्पेक्ट. सिंपल, सबका होता ही है मैं अपनी लाइफ में ऐसा पार्टनर रख ही नहीं सकता जो मेरे माँ बाप को कुछ चू भी कर दू. अगर मैं तेरे माँ बाप की इज्जत रखूंगा तो तू भी रखना. तो अब क्या देखो, सबको बुरा लगता है, मॉम डैड की बात जब आती है सबको बुरा लगता है, अपने तक सब सह लेता है. तो वो लोग उस हिसाब से गलत है. और तुम लोगों को जितना मजा आ रहा है लड़ाई देखने में, नीचे पागल हो गया, पागल हो गया. मुझे एक चीज जाननी है, ये शो किस नाम क्या है, स्पिरिट फिला, यहाँ प्यार का शो है ना, क्यों प्यार नहीं कर ले, तो देख सकते तुम लोग. ये चमका मैं था भाई, वो रोडी नहीं चल रहा है पूरे शो में, रोडी.
ना लोग स्टोरी भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि दिख रहा ये डाल रहा है वो डाल रहा है. मैंने कहा भाई मैंने ना मेरे छोड़ो, जब शो एंड होगा तुम लोग समझ जाओगे मैं किसी को कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा, मुझे नहीं बोलना है. ऑनेस्टली मैं खत्म करके आया हूँ, देखोगे जब मैं निकलूंगा शो से जिस दिन, मैं खत्म करके आया हूँ सब कुछ. मैं बाहर आके नहीं करूंगा जस्ट फॉर सम फॉलोअर्स. मैं नहीं लड़ सकता यार, मेरा हो गया बिल्कुल. मैं मुंह पे बोलता हूँ मेरे को मेरी ट्रॉफी मिल गई उसके साथ खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ. मुझे पता होता ना जब मैंने एपिसोड देखा अभी मैंने बाहर जो तुम लोग तू और वो बात करते, अगर मुझे पता होता ये इस टेंजेंट पे बात होती तो ऐसे ब्लश करके आ रही है तेरे मारता एक चांटा पहले. हाँ मेरे को रियलाइज हुआ ये मेरी वजह से ज्यादा खराब रिएक्शन कैसे आ गया. और जो तेरा बर्डी बर्डी मुझे लगता है दिव्यांश का भी ऐसे रिएक्शन नहीं आता, बट वो ना कुछ लोगों के साथ रह लिया जो रियलिटी शो करके आए थे, उससे भी ऐसा लगा कि ऐसे चिल्लाना पड़ेगा ताकि फुटेज मिल जाए. नहीं गाइस मैं भी बताता हूँ मैं कितना कम बोला आज के एपिसोड में, मुझे पता बोला क्या है वही कह रहा हूँ, फिर भी चेहरे पे आना था स्क्रीन जरूर थी गाइस. ये बात तो कर रही थी
सबको पता चल जाएगा कितने लोग रियल थे कितने नहीं थे, कितनों का कितनों का रील बनाने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। हाँ सही है। I'm so sorry guys, मैं कितना बुरा हूँ। क्या बोलूँ, हर साल होता है यार, हर साल होता है, छोड़ो। ओ भाई लाइव बंद कर देता हूँ, दूसरे लोग लाइव आने वाले हैं, बेचारों को कोई देखेगा नहीं। किसी को मेरी तरफ से कोई हिम्मत देना प्लीज, सबको प्यार दो, सबको आई लव यू लिख दो, कमेंट में आई लव यू भर दो सबके, कोई दिक्कत नहीं।